आखिरकार आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद बीजेपी शासित 9 राज्यों में वैट की दरें घटा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और बिहार जैसे राज्यों ने वैट में कटौती कर दी है। इन 9 में से 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। गुजरात, असम, गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा और मणिपुर ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए की कमी की है, जबकि उत्तराखंड ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट में 2 रुपए की कटौती की है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 12 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। वैट के आधार पर राज्यों में तेल की कीमतों में कमी अलग अलग होगी, जिसका मतलब यह होता है कि ज्यादा वैट वाले राज्यों में तेल की कीमतों में थोड़ी अधिक कटौती देखी जाएगी। बीते दिन दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा की थी। आपको बता दें कि अक्टूबर में तेल की कीमतों में 26 बार बढ़ोतरी की गई है। 17 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में 54% की बढ़ोतरी हुई थी और इसी अवधि के दौरान डीजल की कीमतों में 42% की वृद्धि हुई थी। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम जनता इस बड़े फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही है, कितनी खुश है और कितनी राहत मिली है आम जनता को। फिलहाल आयुष्मान, गुड मॉर्निंग, आप राजधानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बहुत दिनों से, लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि आम जनता पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनके भार को सह रही थी, आखिरकार ये बड़ी राहत मिली है। मगर इसके बाद ही ये चर्चा भी तेज है कि आखिर ये राहत जब केंद्र और राज्य सरकारें दे सकती थी तो इतनी देरी किस बात की थी। ये एक्साइज ड्यूटी और ये जो स्टेट टैक्सेस हैं उनको तो पहले भी घटाया जा सकता है। इस पर आम जनता की प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं? देखिए गौरी, इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। फिलहाल यहाँ पर जो पारा है प्राइसिंग का, वो 103 रुपये 97 पैसे, लगभग 7 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में कटौती देखी जा रही है गौरी यहाँ पर। और जो डीजल की कीमत है वो भी 90, जो कि करीब करीब 100 के आंकड़े के आसपास पहुँच चुका था, अब वो करीब 86 के आसपास है गौरी। तो मौजूदा स्थिति में ये ज़रूर है कि स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही। दिवाली का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो अभी इस वक्त कुछ लोग जो कि पेट्रोल भराने आते हैं वो फिलहाल शायद आए नहीं हैं, लेकिन जो लोग यहाँ काम करते हैं, जो डेली पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस पर हैं, उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे ये दिवाली के दिन इतनी नोट आपने रख रखे हैं हाथों में, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की जो अभी तक पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? अभी तो सुबह सुबह 2-3 लोग आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन कह रहे हैं पेट्रोल का दाम तो कम गया। हाँ, पेट्रोल का दाम कम तो हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि फिर बढ़ा देंगे। अभी तो कम हुआ है, लेकिन बढ़ा करके फिर घटा देना, ये क्या माने रखता है? अभी भी संशय उनको है कि ये घटा भी है लेकिन आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये लोग बताते हैं, यही कहते हैं। तो मोदी जी की ये राजनीतिक है जो कि एक बार घटा देंगे फिर बढ़ा देंगे, घटा देंगे फिर बढ़ा देंगे, यही हाल है यहाँ पर। अभी जो लोग भराने को आ रहे हैं उन लोगों में कोई खुशी की बात दिख रही है आपको, क्या कह रहे हैं वो लोग? भाई साहब, इतनी महंगाई में 5 रुपये या 6 रुपये में खुशी क्या दिखेंगे उनको, बेचारे को होना कुछ थोड़ी, उसे नहीं होना ना कुछ, बेचारे का आत्मा संतुष्ट हो जाए, ही बहुत है। देखिए गौरी, ये आवाज़ है जो कि ये बता रहे हैं यहाँ पर कि स्थिति क्या है, लेकिन बहरहाल सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जाता था हर बार कि तेल के दाम उनके हाथों में नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियाँ तय करती हैं और वैश्विक स्तर पर इसके दाम तय होते हैं। फिलहाल इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं, फिलहाल यहाँ पर जो प्रतिक्रिया हमें मिल रही है वो यही बता रहे हैं कि 5 रुपये की कटौती है, एक मिनिमल कटौती के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हाँ अंदेशा ये ज़रूर है कि आने वाले समय में फिर से कहीं ना कहीं दिवाली के बाद ये दाम बढ़ सकते हैं गौरी। जी बिल्कुल, ये अंदेशा ज़रूर सभी के इस समय जहन में है। आयुष्मान, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ और भी महानगरों से रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आम जनता इस बड़ी राहत पर क्या सोचती है। सांथिया गोरा है हमारे साथ मुंबई से, श्रीजा जुड़ रही है बेंगलुरु से। सबसे पहले रुक करते हैं श्रीजा का। श्रीजा, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, एंड व्हाट अ हैप्पी डे इट इज़ फॉर ऑल द इंडियंस एंड पीपल इंक्लूडिंग हु आर लिविंग इन कर्नाटका। कर्नाटका इज़ वन ऑफ मेनी बीजेपी रूल स्टेट्स where people have got double relief from center and state government both. How are the people reacting to it? Do they feel that it could end up being a temporary relief since oil companies are free to raise the prices every day like how they have been doing so far? Yeah,
Well, that's a very nicely put question because Karnataka is one of the BJP rural states, and that is also one reason why we understand that the state received this particular Diwali bonanza. Now, firstly, let me go to the prices to show you. The diesel price that we are looking at today, as on today, is 92.5 paise. As far as petrol is concerned, we are looking at 107.66 paise. Just about yesterday, we saw the petrol price was priced at nearly 113 rupees, while the diesel was priced nearly 104 rupees. So that is a subsequent decrease that we're looking at, which is 10 rupees for diesel and also as far as petrol is concerned. Now, over the last few months, as far as Karnataka is concerned, we have been seeing several of the Congress stalwarts, some of the Congress big leaders, including the president himself, D.K. Shivkumar, who were taking a jibe at the Karnataka chief minister and also the other leaders for its bad administration, one, and secondly, talking about how they were really not concerned about the common man, because definitely fuel was burning a huge hole in the pockets of the consumers here, because every fortnightly we did, of course, see an increase of anywhere between 2 rupees to 3 rupees. So we saw several times where people coming out and staging protests and also demanding that the Karnataka government reduce the excise duty or the taxes for that matter. But today we're looking at that kind of a Diwali bonanza which has been given. What's also important to note that several times when media did question the chief minister himself, he took jibe, in fact, at the consumers, taxpayers, saying that not really anybody is feeling the pinch as far as the petrol price is concerned. Now, if I could go across to a person here, today we see that the petrol price has decreased. Has it made a difference to you as a consumer? Yes, it definitely has, because, you know, in changes of the prices, it makes a lot of deal, because we're students and there are many people going to work, distances we have to cover, and it makes a lot of difference. Okay, so you're working? No, I'm studying actually. You're a student. Yes. So how much you used to spend probably on a weekly basis? On a weekly basis, I think approximately, say, 150, 200. Okay, and now it goes all the way up to like 400, 450. Okay, because of the subsequent increase that happened. So now that it's decreased to nearly about 5 rupees, so it does make a difference, is what you say? Yeah, it does make a lot of difference. Okay, it's helping you as a student. So we had a student tell us that how it was really helping her as far as the decrease of the price is concerned. And she used to spend anywhere between 150, and also subsequent increase that she did witness was still about 400. Definitely that's a huge, in fact, a separate amount that as far as a student that we'll have to set aside. If I could go across to another person here, petrol prices has reduced. Is it helping you as a common man? This is a Diwali bonanza given by the center. ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 115 ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಓಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ 107 ರೂಪೀಸ್ ನೆನ್ನೆ 113 ಇತ್ತು ಇನ್ನು 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ 107 100 ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ತುಂಬಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ 1000 1000 ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ we just had another person telling us, a working professional, that it really doesn't make a difference because he is a working professional. He also says if the price actually comes down below 100, yes, that of course can make a difference, because we have not just seen an inflation in terms of the fuel prices, but also in terms of whether the food inflation that we are looking at, whether the vegetables, so on all bases put together, they are definitely still feeling the pinch. That's right. Thank you, Srija. In fact, stay with us. There are some more reports that we have to show our viewers. In fact, अभी चलते हैं मुंबई, जहां से हमारी संवाददाता सांथिया गोरा लाइव जुड़ रही हैं. तो सांथिया, अभी अभी हमने कर्नाटका से बेंगलुरु से रिपोर्ट दिखाई. एक बीजेपी शासित प्रदेश है जिन्होंने केंद्र की ही तरह अपने टैक्सेस को घटा दिया है. एक डबल राहत मिली है लोगों को, और केंद्र की एक्साइज ड्यूटी को के घटाने के साथ ही साथ हमने देखा है कई बीजेपी शासित राज्यों ने उनके द्वारा लगाए गए जाने वाले टैक्सेस को घटा दिया. अब दबाव बना है
है महाराष्ट्र जैसे विपक्षी पार्टियों वाले राज्यों पर कि वो कब ऐसी राहत देंगे, क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों से आपको? देखिए गौरी, फिलहाल मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद है, और क्योंकि आप महाराष्ट्र की बात कर रही थी, ये वो राज्य है जहाँ पे वैट जो है वो सबसे ज़्यादा भी है। तो ऐसे में इस एक्साइज ड्यूटी की कटौती को मुंबई कर खास करके कैसे लेते हैं, हम राहुल से बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम लोग बात कर रहे थे एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल की अगर बात करें 5 रुपये की कटौती, और डीजल की अगर बात करें 10 रुपये की कटौती, आपके हिसाब से किस तरह का फैसला है, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? मैम, 5 रुपये घटने से या 10 रुपये घटने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले साल देखेंगे तो इट वॉज़ नियर बाय 80 एंड डीजल वॉज बिलो 80 एंड तो 100 के नीचे आएगा तो विल बी सेटिस्फाइड फॉर दैट। और ये तो 100 के आगे और उसमें 5 रुपये घटने से कुछ फ़र्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपको लगता है इसमें और कटौती होगी तब कहीं जा कर के इसे राहत कहा जा सकता है? हाँ, येस ऑब्वियसली मैम, इट शुड बी बिलो 100 whatever the reduction government want to give, yeah. That should be below 100, right. As per my suggestion. Absolutely. Happy Diwali Rahul, thanks a lot for talking to us. We are also joined by Rahul's father, let's see what he has to say. Sir, aap mujhe bataein, aapka kya reaction hai, jo bhi aapko lagta hai ki ye jo katauti hui hai petrol aur diesel ki excise duty mein, petrol 5 rupaye ki katauti aur diesel 10 rupaye ki katauti excise duty mein, ek aam aadmi pe, hum log sab aam aadmi hain, aap कि अगर मैं बात करूं तो आपके नज़रिए से किस तरह का फैसला है? हाँ, वैसा देखे जाए तो आम आदमी के लिए तो राहत की बात है, लेकिन अभी ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, अभी उनको पता है कि अभी कब कम करना है, कब ज़्यादा बढ़ाना है। जब ज़्यादा प्रेशर आएगा, उनका ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो रेट तो बढ़ेंगे। जब उनको लग रहा है कि नहीं भाई अभी हम रेट कम करना है, तभी तो रेट कम करेंगे। ज़्यादा तो इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि 5 रुपये तो मतलब रात दिवाली के दिन तो अच्छी दिन अच्छी हाँ अच्छी खबर है। शुभ दीपावली आपको सर, नमस्ते। सो वी हर्ड टू डिफरेंट वॉइसेज एक्चुअली, एंड बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम फैमिली। राहुल, द सन थिंक्स दैट इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस गौरी, और उसके अलावा बात करें अगर हम उनके पिताजी की, तो उनके पिताजी का दरअसल ये कहना है कि दिवाली का दिन है और 5 रुपये की ही सही राहत बड़ी बात है, इतनी छोटी बात भी नहीं, अच्छी खबर है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, दरअसल ज़रा सी दिक्कत ये है क्योंकि हम सब जानते हैं दिवाली का शुभ पर्व है आज। गौरी, आपको और हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं, तो लोग थोड़े कम होंगे, कोशिश करते हैं जो मौजूद हैं उनसे बात कर सकें। सर, बस एक चीज़ पूछना चाह रही थी, ये जो पेट्रोल और डीजल में कटौती हुई है एक्साइज ड्यूटी को लेकर के, पेट्रोल 5 रुपये कम हुआ है, डीजल 10 रुपये, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, राहत मानेंगे या आपका क्या नज़रिया है इसे लेकर? थोड़ा राहत तो मिलता है, अभी तो बहुत पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता जा रहा है, आम पब्लिक बहुत परेशान हो गई है। थोड़ा और थोड़ा नीचे आएगा तो थोड़ा पब्लिक को राहत मिलेगा, इतना महंगाई बढ़ते जा रहा है। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि राहत है लेकिन अभी और ज़रूरत है दाम कम होने की, अगर आम जनता को महंगाई से छुटकारा दिलाना है तो। गौरी जी, सांतिया शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस रिपोर्ट के लिए। आयुष्मान, आपका भी शुक्रिया, और श्रीजा थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से मिलीजुली प्रतिक्रिया है इस समय नागरिकों से, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी राहत है और सरकार देर आई है मगर दुरुस्त आई है, मगर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जब तक पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये के आंकड़े से नीचे नहीं आ जाते तब तक बात नहीं बनने वाली है। आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ किस तरीके की हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर लगभग सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, कांग्रेस ने इसे सरकार की देरी भरा फैसला बताया है, तो वहीं आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि केंद्र के इस निर्णय से आम आदमी को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलने वाली। और यही नहीं, टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा और डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व वित्त मंत्री सिन्हा ने कहा कि बीजेपी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके लोगों से सैकड़ों करोड़ लूटने के बाद अब कुछ रुपए की कमी करके राहत दे रही है। केवल साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो हैं लगभग 2829 रुपया लीटर, और जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो हैं 26 रुपया लीटर। 5 रुपया और 10 रुपया कम करिए
और फिर कहिए कि ये मोदी जी का बम्पर दिवाली गिफ्ट है। पर साल में आपने दाम तो बढ़ाए 28 रुपया और 26 रुपया इसी साल, इसलिए जितने दाम बढ़ाए उतने दाम कम करिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए,